नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार शुक्ला। आज मैं वंदे भारत पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक लेकर के आया हूं, जिसका आप सभी लोगों को लंबे समय से इंतजार था, क्योंकि यह नया टेक्नोलॉजी होने के कारण इसके क्वेश्चन बैंक्स कहीं पर उपलब्ध भी नहीं है सहजता से, और आगामी परीक्षा डिपार्टमेंटल या रैंकर एग्जामिनेशन, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर एवं LDC, AME, AWM सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वह वंदे भारत चूँकि नई ट्रेन है और नया टेक्नोलॉजी पर है, जिसका आज की डेट में नॉट ओनली इंडिया में बल्कि विदेशों में भी यह सुर्खियां बना हुआ है, तो हम इस वंदे भारत के बारे में बात करें। उसके पहले एक सूक्ष्म इसके बारे में जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूं, जो कि आपको वंदे भारत ट्रेन को समझने में बड़ा ज़रूरी होगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर दिख रहा है ICF ट्रेन। ICF जो है ये अब आउटडेटेड लगभग हो गया है, 2017 से इसका प्रोडक्शन भी बंद है। और इस साइड में है, देखिए यहाँ पर LHB, तो LHB जो कि आजकल रन कर रहा है, तो इसके बारे में आप लोग जान रहे हैं। बट यह वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि दो कलर में इस समय पूरे इंडिया में छाया हुआ है, तो इसके बारे में जानकारी लें तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके रेक फार्मेशन क्या है। रेक फार्मेशन मतलब कंपोजिशन ऑफ द कोचेज। तो इस साइड में देखिए कि यहाँ पर दिया हुआ है कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी 16 कोच का एक सेट है। तो ये 16 कोच को किस तरह से ऐड करते हैं वो देखिए। तो इसमें यहाँ पर दिखा रहा है बेसिक यूनिट। तो ये बेसिक यूनिट अगर 16 कोच का बनाना है, तो यानी हमारे पास दो बेसिक यूनिट 1 और 2 है, और बेसिक यूनिट 5 और 6 है। तो इसको हम मिडल बेसिक यूनिट कहते हैं और इसको एंड बेसिक यूनिट कहते हैं। तो इसमें एक यूनिट में होता क्या है ये देख लीजिए, DTC का मतलब हो गया ड्राइविंग ट्रेलर कोच, और MC मतलब मोटर कोच, फिर TC मतलब ट्रेलर कोच, और MC मतलब मोटर कोच, इससे डिनोट किया जाएगा। आगे इसका चर्चा भी करते रहेंगे तो आपको समझने में बहुत सहजता हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए NDTC, यानी इस MC से यहाँ पर MC को ऐड करेंगे दूसरे यूनिट का, तो ये फिर मोटर कोच हो गया, फिर TC कोच ट्रेलर कोच हो गया, फिर मोटर कोच हो गया, और फिर यहाँ नॉन ड्राइविंग ट्रेलर कोच NDTC ईयर लग गया, फिर NDTC से NDTC को ऐड करेंगे, फिर उसी तरह से MC, TC और MC, फिर MC से ये ऐड कर देंगे MC, TC, MC और DTC। यानी इस प्रकार से आप देखेंगे तो 1 और 2 ये DTC हो गया। DTC का मतलब ड्राइविंग ट्रेलर कोच, जिसके लिए मतलब इंजन की ज़रूरत नहीं है, ये सेल्फ प्रोपेल्ड है, एक प्रकार से पुश पुल टाइप का रहेगा। यानी गाड़ी में इंजन जैसे LHB और ICF में लगता था कि वहाँ पर एक इंजन पूरे रेक को लेकर के जाता है, फिर वो इंजन डिटैच होकर के टर्न अराउंड होता है, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। गाड़ी जैसे मुंबई में लोकल ट्रेन चलता है, लेकर के गया और फिर इस साइड का ड्राइवर कैब बन जाता है, तो उस साइड से लेकर के आते हैं। तो इसी तरह से ये हो गया है DTC। तो यानी अगर 16 कोच का ये रेक है तो 2 DTC हो गया और 2 NDTC हो गया। NDTC को ही दोस्तों हम लोग एग्जीक्यूटिव चेयर कार बोलेंगे। और बाकी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 जो है MC कोच मोटर कोच हो गया, और 4 जो है ट्रेलर कोच हो गया। अब इसमें लगा क्या रहता है वो देखिए, DTC और NDTC कोच के अंडर स्लंग में इसमें क्या है, जितने भी इसके इक्विपमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो सब नीचे लगे हैं, अंडरस्लंग में लगे हैं। तो ये DTC और NDTC में सेम चीज़ें लगी हैं, जिसमें बैटरी चार्जर और कंप्रेसर लगा हुआ है। और इसी तरह से मोटर कोच में क्या लगा रहता है देखिए, लाइन एंड ट्रैक्शन कन्वर्टर लगा रहता है, ब्रेक चोपर रजिस्टर रहता है, 3-phase इंडक्शन मोटर रहता है, और DC लिंक अर्थिंग रहता है। और TC कोच में ट्रांसफार्मर रहेगा, ऑक्सिलरी कन्वर्टर रहेगा, पेंटोग्राफ रहेगा, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर WCB रहेगा, और ऑक्सिलरी कंप्रेसर रहेगा। ये थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल्स आपको बताया। हालांकि वंदे भारत के बारे में एक इंट्रोडक्शन एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में मैंने दूसरे वीडियोज भी अपलोड किए हैं, जिसको उम्मीद है कि आप लोग देख लिए होंगे। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया हुआ है, आप जरूर देख लीजिएगा। मैं आगे क्वेश्चन बैंक पर चलता हूँ, तो वहाँ पर चलने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आगामी क्वेश्चन बैंक्स और जो भी डिटेल्स है वंदे भारत के बारे में आपको सहजता से मिलता रहे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक नंबर 1 पर। ये मल्टीपल चॉइस है क्वेश्चंस। हु डिजाइंड द वंदे भारत एक्सप्रेस,
हु डिजाइंड वंदे भारत एक्सप्रेस, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री या रेल डिजाइंड एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इंडियन रेलवे, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो साथियों, रेलवे में कोई भी कोच हो, कोई भी रोलिंग स्टॉक होता है, उसका डिजाइन जो है RDSO करता है। RDSO का हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर हुआ बी, हु डिजाइंड द वंदे भारत एक्सप्रेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इन विच प्रोडक्शन यूनिट द वंदे भारत एक्सप्रेस मैन्युफैक्चर्ड। तो वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ मैन्युफैक्चर्ड हुआ ये आप जान लीजिए। RCF प्रोडक्शन यूनिट ये तीन है, यहाँ पर दिया गया है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, MCF का मतलब हो गया मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में है, ICF का मतलब हो गया इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में है। तो इसी ICF में वंदे भारत एक्सप्रेस बनाया गया है जो कि मेक इन इंडिया है। साथियों ये बता दें कि वंदे भारत, पहले इसको हम ट्रेन 18 कहते थे, ट्रेन 18, और अब जो आया है ये ट्रेन सेट आया है। तो ट्रेन सेट मतलब सेकेंड जनरेशन V2 कहेंगे इसको हम, तो इसके बारे में चर्चा है। देखिए, व्हाट इज एक्सल कैपेसिटी या लोड ऑफ ट्रेन सेट V2। मैंने जो बताया कि अब जो नए कोचेज आ रहे हैं, रेक आ रहे हैं, उनको हम ट्रेन सेट वंदे भारत 2.0 कहते हैं। जो पहले दो रेक निकले थे, वो ये चला था नई दिल्ली से वाराणसी के लिए और दूसरा चला था नई दिल्ली से कटरा के लिए, वही दो ट्रेन 18 के नाम से निकले थे। उसके बाद उसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स करके सेकेंड जनरेशन आ गया है ट्रेन सेट वंदे भारत V2। तो जिसके बारे में पूछ रहा है, व्हाट इज एक्सल कैपेसिटी या लोड ऑफ ट्रेन सेट, तो एक्सल कैपेसिटी इसका 17 टन है, जबकि ट्रेन 18 अगर पूछ लेगा तो ट्रेन 18 का 21 टन है। तो यानी उसके एक्सल कैपेसिटी के लोड को हमने कम किया है, तो 17 टन है। चूँकि अंडर स्लंग्स बहुत सारे इक्विपमेंट्स इसमें लगाए गए हैं, तो हमें इसका लोड कम करना था, तो हमने ट्रेन 18 से अब सेकेंड जनरेशन में आए हैं, तो ये आएगा वंदे भारत ट्रेन सेट का, तो 17 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मैक्सिमम एक्सल लोड फॉर मोटर कोच। मोटर कोच में ट्रैक्शन मोटर लगा रहता है, तो मोटर कोच का मैक्सिमम 15.54 टन रहता है। ट्रेन सेट कोचेज आर इक्विप्ड विथ बोस्टर बोगी, बोस्टर लेस डिजाइन बोगी, पोस्टर विथ साइड मिरर, नन ऑफ दीज। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ट्रेन सेट जो है ये बोस्टर लेस डिजाइन कोचेज है। LHB में बोस्टर है, बट इसमें बोस्टर लेस डिजाइन कोचेज है। लेंथ ऑफ कार बॉडी ओवर कपलर, यानी कहते हैं कि CBC टू CBC इसका कोच की लंबाई 24,000 mm है, mm में दिया हुआ है, तो ये है। और बाकी ये देखिए 21337, 22337 और ये ऑप्शन से, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हैं। इसमें वंदे भारत के लिए 24,000 या 24 मीटर कह सकते हैं। लेंथ ऑफ कोच ओवर इंड वाल ऑफ द वंदे भारत, ओवर इंड वाल में यानी CBC इसमें नहीं ऐड किया गया है, तो इसके जो ऑप्शंस है इस ऑप्शन में 23100 mm इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द न्यू व्हील डाया वंदे भारत, वंदे भारत का नया व्हील का साइज कितना है, 915, 825, 952, 896। दोस्तों इसका व्हील डायमीटर है 952 mm। क्यों? क्योंकि इसका व्हील साइज बढ़ा दिया गया है। फिर वही बार बार आता है कि इसमें मोटर लगा है, ट्रैक्शंस लगे हैं, ट्रांसफार्मर लगे हैं, सब अंडर स्लंग लगे हैं, इसलिए व्हील के डाया को बढ़ा दिया गया है, जिसमें वो सारे इक्विपमेंट्स एकोमोडेट हो सकें। ये 915 व्हील डाया आपको पता है कि ICF और LHB कोच का होता है नया डाया। 825 जो है ये ICF कोच का कंडमिंग डाया है, ठीक है। वार्न व्हील डाया ऑफ द वंदे भारत, वार्न व्हील डाया मतलब जिस पर ये इसको वार्न व्हील प्रोफाइल किया जाता है, 896, 825, 855, 877, इसका राइट आंसर है 896 mm। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट व्हील प्रोफाइल दोस्तों इसका 877 है, ये आंसर गलत है। लास्ट व्हील प्रोफाइल है 896, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वार्न व्हील डाया जो कह रहा है यानी कंडमिंग डाया कह रहा है 877 है, जबकि लास्ट व्हील प्रोफाइल जो है 896 mm है। बोगी व्हील बेस इसका 2400, 2700, ये है व्हील बेस वंदे भारत का, और यहीं पर दिया हुआ है अगर 2560 समझे तो ये LHB का व्हील बेस है, LHB कोच का, ठीक है, और ये ICF का है, ICF का व्हील बेस है।
तो आप ये जानिए कि व्हील बेस 896 2896 ICF का है, 2560 LHP का है और 2700 वंदे भारत का है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, राइडिंग इंडेक्स ऑफ द वंदे भारत एट द 180 kmph स्पीड पर। दोस्तों वंदे भारत का राइडिंग इंडेक्स है 3.26, राइडिंग इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है। और 2.5 आपको पता है ये LHB के लिए है, LHB का, और 3.5 ICF का है। तो अगर आपको एक क्वेश्चन आया तो ये भी क्वेश्चंस तैयार हो गए। मैक्सिमम सर्विस स्पीड आप तो वंदे भारत, वंदे भारत का मैक्सिमम सर्विस स्पीड 160 kmph है। दोस्तों टेस्टेड तो ये 180 पर है और इसका पोटेंशियल 200 kmph है, बट ये सर्विस में चलता है 160 मैक्सिमम स्पीड है इसका। एक्सल डायमीटर ऑफ द मोटर कोच एंड ट्रेलर कोच। साथियों मोटर कोच और ट्रेलर कोच दो तरह के कोचेज रहते हैं। मोटर कोच में मोटर लोडेड रहता है तो इसलिए इन दोनों के अलग अलग डायमीटर्स होंगे। तो ये है 179 डायमीटर इसका और 160, ये इतने mm का इसका डाया रहेगा एक्सल का। ईच मोटर कोच MC आप वंदे भारत इज इक्विप्ड विथ 4 नंबर इंडक्शन मोटर। तो ये तो पता हो गया कि हर एक मोटर कोच में 4 इंडक्शन मोटर लगे रहेंगे, लेकिन ये पूछ रहा है किस टाइप के लगे रहते हैं। 3-phase AC सिंक्रोनस मोटर, 3-phase AC एसिंक्रोनस मोटर, 3-phase DC सीरीज मोटर, 1-phase। इसमें दोस्तों लगा रहता है 3-phase AC एसिंक्रोनस मोटर। एसिंक्रोनस मोटर को ही हम जो है इंडक्शन मोटर कहते हैं। आगे चलते हैं, बैटरी टाइप यूज्ड इन वंदे भारत। वंदे भारत में जो बैटरी टाइप यूज किया जाता है वो है लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी। तो ये पहला आंसर इसका सही है। और दोस्तों ये क्वेश्चन बैंक से, इसके क्वेश्चन मैनुअल से लिया गया है, जो वंदे भारत का मैनुअल्स रेलवे बोर्ड द्वारा है उसी पर आधारित है ये क्वेश्चन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर सिलेक्ट करके बताया जा रहा है। बैटरी कैपेसिटी, ये तो बैटरी हो गया, अभी इसका बैटरी कैपेसिटी यूज्ड, किस कैपेसिटी का बैटरी यूज किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका 684 एम्पियर आवर का। बैटरी बॉक्स मैंने बताया कि DTC और NDTC में लगा रहेगा। इसमें 24 बैटरी रहते हैं और 12.88 वोल्ट का एक एक का रहेगा। टोटल जो है 684 एम्पियर का आपका लगा मिलेगा बैटरी कैपेसिटी। विच टाइप पेंटोग्राफ माउंटेड ऑन द रूफ ऑफ ट्रेलर कोच। अब देखिए ट्रेलर कोच जैसा मैंने पहले ही चर्चा किया था कि TC ट्रेलर कोच है, तो TC में क्या क्या लगा रहेगा, पेंटोग्राफ लगा रहेगा और ट्रांसफार्मर रहेगा। बट यहाँ पर पूछ रहा है कि पेंटोग्राफ किस तरह का लगा रहता है। तो सिंगल आर्म पेंटोग्राफ है, मॉडल WBL 22.3, डबल आर्म पेंटोग्राफ मॉडल। तो ये दोनों आंसर तो सिमिलर है लेकिन इसमें सिंगल लगा रहता है, सिंगल आर्म का, तो इसलिए आंसर ए होगा, सिंगल आर्म। इब्री कोच हैज बीन इक्विप्ड विथ पार्किंग ब्रेक 1 पर व्हील सेट, हाइड्रोलिक ब्रेक, पार्किंग ब्रेक 2 पर व्हील सेट, ननाब देवा। दोस्तों इसमें पार्किंग ब्रेक लगा होता है। पार्किंग ब्रेक इस LHB के वंदे भारत में जो है, वंदे भारत में हर एक व्हील सेट पर लगा रहता है, तो आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, सिटिंग कैपेसिटी ऑफ द पैसेंजर इन ट्रेलर कोच। अब सभी तरह के कोचेज हैं तो उसमें बैठने की कैपेसिटी क्या है। तो जो TC है उसमें 78 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। सीटिंग कैपेसिटी फॉर पैसेंजर ऑफ NDTC नॉन ड्राइविंग ट्रेलर कोच EC, यानी EC का मतलब एग्जीक्यूटिव चेयर कार है। तो NDTC में दोस्तों 52 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। ट्रेलर कोच और मोटर कोच दोनों में, ट्रेलर कोच और मोटर कोच दोनों में 78, यहाँ अगर आप लिख देंगे तो MC भी, तो MC का भी 78 ही है, ठीक है। तो 78 पैसेंजर्स MC में भी बैठते हैं। DTC में 44 रहेगा, 44 यहाँ रहता है, ये जो है ये DTC में है, तो ये आपके बैठने के रहेंगे, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं DTC। तो ये आपके चारों तरह के कोचेज में बैठने की कैपेसिटी आपको जानकारी हो गया। टाइट लॉक CBC कपलर AARH टाइप का CBC LHB कोच में भी यूज होता है और यहाँ पर भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि कहाँ पर यूज किया जाता है। पैसेंजर कंपार्टमेंट साइड ऑफ द कोच,
तो पैसेंजर कंपार्टमेंट साइड में नहीं यूज होता है, नॉन ड्राइवर केबिन साइड ऑफ द कोच नहीं यूज होता है, बोथ साइड ऑफ द कोच नहीं, ड्राइवर केबिन साइड ऑफ द कोच। दोस्तों मैंने बताया कि ये पुशपुल टाइप का है, यानी ये सीबीसी AARH टाइप का, जिसका आपको पहले से पता है कि 1105 और 1090 रहता है सीबीसी जो LHV टाइप में लगा है, ये इसमें ड्राइवर साइड में जो है दोनों एंड में लगा रहेगा। तो इसलिए आपका क्लियर आंसर ये हो गया, ड्राइवर केबिन साइड ऑफ द कोच में सीबीसी AARH टाइप का लगा होता है। हाइट ऑफ सेमी परमानेंट कपलर, यानी ये क्या है सेमी परमानेंट कपलर, तो आपको ये जानकारी हो जाए कि जो अदर कोचेज एक दूसरे से जुड़े रहते हैं उसमें सीबीसी नहीं लगता है, बल्कि वहाँ सेमी परमानेंट कपलर डेलनर टाइप का कहा जाता है, कंपनी का है वो लगता है। तो उसकी हाइट पूछ रहा है, तो उसकी हाइट दोस्तों होता है 940 प्लस 0 माइनस 5, ये हाइट रहता है, जबकि इसका हाइट 1105 है। एब्रीविएशन ऑफ ETBU, ETBU क्या है, इमरजेंसी ट्रैक्शन बैकअप यूनिट, इमरजेंसी ट्रेन बैकिंग यूनिट, इमरजेंसी टाक बैक यूनिट। दोस्तों इसका आंसर है इमरजेंसी टाक बैक यूनिट। यह एक सुविधा दिया गया है वंदे भारत कोचेज में, जो पैसेंजर जो है डायरेक्ट अपने कोच से, ड्राइवर से या मोटर वैन से या कहेंगे ट्रेन मैनेजर जो भी रहते हैं वहाँ पर ये बात कर सकता है, तो इसको कहते हैं इमरजेंसी टाक बैक यूनिट। कैपेसिटी ऑफ अंडर स्लंग वाटर टैंक इन ट्रेन सेट, ट्रेन सेट में जो वाटर टैंक लगा है उसका कैपेसिटी जो है 1100 लीटर है पर कोच, 1100 लीटर ईच कोच। मोटर कोच हैज, एक मोटर कोच में क्या रहता है, 1 नंबर IGBT बेस्ड लाइन एंड ट्रैक्शन कन्वर्टर। हमने वेरी स्टार्टिंग में ही बताया था कि मोटर कोच में लाइन एंड ट्रैक्शन कन्वर्टर भी रहता है और 3 फेज इंडक्शन मोटर भी रहता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि कितने रहते हैं लाइन एंड ट्रैक्शन कन्वर्टर, तो आपको ये बता दें कि ये 2 नंबर्स IGBT बेस्ड लाइन एंड ट्रैक्शन कन्वर्टर रहता है, जो हाई वोल्टेज को इसके रिक्वायरमेंट के अनुसार उसे चेंज करता है रिक्वायर्ड वोल्टेज में। मोटरिंग परसेंटेज आप वंदे भारत एक्सप्रेस, इसको अगर आपको ध्यान हो पहला जो मैंने बताया था कि मोटरिंग परसेंटेज, यानी इस 16 रेक में दो में जो है, या एक यूनिट कह लें तो एक यूनिट में दो में मोटर कोच है, यानी 4 कोच में 2 मोटर कोच है, तो 2 है तो यानी 50% हो गया, तो इसका मोटरिंग परसेंटेज 50% है। एब्रीविएशन ऑफ IGBT, जो आपने पहले देखा कि IGBT बेस्ड लाइन एंड ट्रैक्शन कन्वर्टर लगा है, तो IGBT का फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। पहले जो है GTU बेस्ड आते थे इंजन्स, अभी IGBT बेस्ड आ गया है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का चीज़ है, जिसके कारण स्पीड कंट्रोल वगैरह करने में बहुत ही आसानी हो गई है। एब्रीविएशन ऑफ TCMS, TCMS क्या है, ट्रेन क्रू मॉनिटरिंग सिस्टम, टर्मिनल कम्युनिकेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम, इसका आंसर है सी। TCMS क्या है दोस्तों, इसमें वंदे भारत में TCMS के आ जाने से क्या हो गया कि कंप्यूटराइज्ड बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल यूनिट है, यानी जो फॉल्ट होते हैं उनको डायग्नोसिस कर सकता है, करने के लिए ये ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है। ए कन्वर्टर यूनिट इज रिक्वायर्ड टू जनरेट टू डिफरेंट टाइप ऑफ द वोल्टेज, जो कि दोज आर 415 वोल्ट AC 3 फेज 15 हर्ट्ज़ और 110 वोल्ट। तो ये कह रहा है कन्वर्टर किस तरह की चीज़ों को लगाया गया है जनरेट करने के लिए, तो ये ट्रू है, यस लगाया गया है उसमें इस तरह की चीज़ें। अगला प्रश्न है कि गाड़ी में जैसे ट्रेन मेंटेनेंस करते हैं, तो हमने आज तक अभी ICF का ट्रेन मेंटेनेंस शेड्यूल पढ़ा है, ABC शेड्यूल, फिर हम LHB में आए, D1, D2, D3 और SS1, SS2, SS3, अब वंदे भारत का भी मेंटेनेंस शेड्यूल है। तो ये क्या कह रहा है, ट्रिप एंड डिपोट एग्जामिनेशन ऑफ द ट्रेन सेट इज कंडक्टेड, ये कब कंडक्ट किया जाता है, एवरी 3 डेज आप 5000 किलोमीटर, एवरी 6 डेज और 6 घंटे के लिए। दोस्तों इसका आंसर है बी, हर ट्रिप जो है 6वें दिन या 10,000 किलोमीटर विच इधर इज अर्लियर एंड फॉर 6 आवर्स, ये वंदे भारत का ये मैनुअल के अकॉर्डिंग लिया गया है। क्वार्टरली शेड्यूल इज कंडक्टेड, क्वार्टरली शेड्यूल कब इसका होता है, तो क्वार्टरली का मतलब हो गया कि इब्री 90 डेज प्लस 3 डेज एंड 6 आवर्स, इसका भी मेंटेनेंस किया जाता है, तो क्वार्टरली शेड्यूल आपको मालूम हो गया।
9 मंथली शेड्यूल, 9 मंथली मतलब नौत्रिक 27 रहेगा, तो 270 डेज प्लस 3 8 आवर्स, 270 डेज प्लस माइनस 1 डेज 10 आवर्स, तो इसका आंसर बी है, ये ध्यान में रखिए, 270 डेज प्लस माइनस 3 डेज और 8 आवर्स किया जाता है 9 मंथली शेड्यूल्स। तो ये तो डिपो में शेड्यूल होते हैं, फिर यहाँ पर आ गया साफ शेड्यूल, SS1 वंदे भारत, जैसे आपका LHB का SS1 है वैसे इसका हो गया कि SS1, तो SS1 वहाँ भी 18 मंथ था, तो यहाँ पर भी दोस्तों 18 मंथ ही है, LHB का था 18 मंथ तो इसका भी 18 मंथ है, बट यहाँ प्लस माइनस 7 डेज है और किलोमीटर से इसका कोई लिंक नहीं है, और ये शेड्यूल करने में 15 से 20 दिन लगते हैं उसको डिनोट किया है, तो ये SS1 18 मंथ प्लस माइनस 5 डेज और 15 से 20 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये साफ शेड्यूल 2 आप वंदे भारत एक्सप्रेस कंडक्टेड, तो ये है 36 मंथ हो जाएगा, 36 मंथ प्लस माइनस 5 डेज और 15 से 20 दिन में आपका SS2 भी किया जाएगा। फिर आ गया SS3 शेड्यूल आप द वंदे भारत, SS3 शेड्यूल 72 मंथ, तो 72 मंथ प्लस माइनस 5 डेज और 15 से 20 दिन में, तो 15 से 20 दिन ये कॉमन हो गया और प्लस माइनस 5 डेज कॉमन हो गया, तो हो गया 18, 36 और 72 SS1, SS2 और SS3 आपके समझने के लिए हो गया। इन द फार्मेशन ऑफ 16 कोच वंदे भारत ट्रेन, फिर से यही क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट और पूछ लिया कि 16 कोच वंदे भारत ट्रेन का फार्मेशन किस तरह से होगा, उसमें यानी कितनी बोगी लगी होंगी, तो ये ऑब्वियसली सबको पता है कि एक कोच में दो बोगी लगा होता है, उसी बोगी को हम ट्राली भी कहते हैं, तो 16 है तो 16 में 32 बोगी तो हो गया, तो ये तो कन्फर्म हो गया कि 32 बोगी रहेगा, लेकिन अब इसमें इनका बाइफरकेशन दिया है कि 32 बोगी किस प्रकार का रहेगा, 32 तो ये तीनों में दे दिया है, यहाँ भी दिया है यहाँ भी, तो 32 बोगी तो है लेकिन कौन सा, तो अब इसमें बाइफरकेट करिए कि हमारे पास जो 16 कोच है उसमें 8 मोटर कोच है, तो मोटर कोच है तो एक मोटर कोच में दो बोगी तो 8 में 16 बोगी लगा रहेगा, तो अब देखते हैं कि 16 मोटर बोगी किस में है, तो आपका आंसर इस हिसाब से हो गया बी, 16 मोटर बोगी और 16 ट्रेलर कोच बोगी, ये लग गया आपका, क्योंकि ट्रेलर कोच वाला DTC में भी लगेगा, NDTC चूँकि वो भी ट्रेलर कोच है, ड्राइवर्स ट्रेलर कोच, नॉन ड्राइवर्स ट्रेलर कोच, तो और ट्रेलर कोच, तो वो तो हो गए बाकी, और 16 ये हो गया, इसीलिए 50% मोटरिंग भी है, तो आप जान गए इसको। इन द फार्मेशन ऑफ 16 कोच वंदे भारत ट्रेन देयर आर, ये भी गुड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि 16 कोच का वंदे भारत अगर है तो उसका फार्मेशन कैसे होगा, उसमें क्या क्या रहेगा, तो हमने पहले ही चर्चा किया कि दो तो DTC रहेगा, तो दो DTC यहाँ भी है, दो NDTC रहेगा, दो NDTC यहाँ भी है, चार TC रहेगा, यहाँ 8 TC दिया है, 8 MC रहेगा, 4, तो ऑब्वियसली अभी हमने चर्चा किया कि 8 मोटर कोच रहेगा जब आपका वंदे भारत 16 का रहेगा, वंदे भारत 8 कोच, 16 कोच और 24 कोच के फार्मेशन बनाए जा सकते हैं, तो ये आपका फार्मेशन हो गया 16 कोच का। द स्टेटमेंट मोटर बोगी इट इज अटैच्ड विथ मोटर कोच, बिल्कुल सही, मोटर कोच में ही मोटर बोगी लगाया जाता है, इसलिए ये ट्रू है। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट ट्रेलर बोगी इट इज अटैच्ड विथ ट्रेलर कोच, यस ये भी ट्रू है, इसलिए इसका आंसर ट्रू है। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन है प्रोविजन ऑन DTC ड्राइवर्स ट्रेलिंग कोच, कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है तो आप लोग इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, DTC ड्राइवर ड्राइविंग ट्रेलर कोच बोगी फॉर TCAS ट्रेन कोलिजन एडवांस सिस्टम या TPWS ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम इज नोन एज, ये वंदे भारत के सभी DTC में बाइक साइड में लग करके आया है कवच, ये बहुत ही पॉपुलर है, जो एंटी कोलिजन डिवाइस है ट्रेन कोलिजन एडवांसमेंट सिस्टम, कुछ दिन पहले रेल मिनिस्टर ने इसको दो इंजन आपस में ले आ करके देखे थे, तो सर्टेन स्पेस में ही वो दोनों में ऑटोमेटिक ब्रेकिंग हो गया, तो इसे हम कवच कह रहे हैं, तो ये कवच जो है वंदे भारत में लग करके आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है देखिए द वेट ऑफ सेंटर पिवट पिन इन वंदे भारत बोगी, वंदे भारत बोगी में सेंटर पिवट पिन का वेट कितना है, ये दोस्तों 113 केजी है, यही मैंने आपसे चर्चा किया था कि ट्रेन 18 एंड वंदे भारत जो नया सेकंड जनरेशन आया है ट्रेन सेट, इसमें बहुत सारे डिफरेंस है, जैसे आपने देख लिया था एक तो एक्सल का कैपेसिटी का डिफरेंस है, ट्रेन 18 21 है,
टन का और ये 17 टन। वैसे ही ये पहले भारी था, उसका 129 केजी था, 129 केजी आपका ट्रेन 18 मील था, बट वंदे भारत में ये हल्का किया गया है, 113 केजी का है। वंदे भारत इज प्रोवाइडेड इन आल कोचेज, क्या लगाया गया है, एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम, ये आपके LHB में लगा है, एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम LHB में है। बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, ये तो आपका ICF का है, ये भी पता है आपको ICF में है। व्हील माउंटेड ब्रेक डिस्क सिस्टम राइट आंसर है, कि वंदे भारत में व्हील माउंटेड, जो एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम आपके एक्सल पे लगता था, ये भी व्हील माउंटेड, चूंकि अभी के एक्सल में आपका ट्रैक्शन मोटर्स वगैरह बहुत सारे अंडरस्लंग गियर वगैरह लग गया है, तो फिर डिस्क के लिए तो स्पेस नहीं था, तो उसको व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम कर दिया गया है, तो इट इज़ राइट आंसर फॉर वंदे भारत। बियरिंग प्रोविजन इन आल वंदे भारत कोचेज में बियरिंग किस टाइप का लगाया गया है, स्फेरिकल रोलर बियरिंग आपको पता हो ICF में लगता है, और CTRB सिलेंडर कार्ट्रिज टेपर रोलर बियरिंग, ये आपकी LHB कोच और वंदे भारत में लगा हुआ है CTRB। एयर स्प्रिंग हाइट विथ एयर स्प्रिंग की हाइट पूछ रहा है, वंदे भारत के लिए है, चूंकि सारे क्वेश्चंस वंदे भारत के लिए है तो इसमें पूछ रहा है, तो ये है दोस्तों कि आपका 305 और 305 प्लस 5 माइनस 0 ये तो नहीं है, ये आपका ICF का है, LHB का है, एयर स्प्रिंग का, यहाँ पर हो गया 300 प्लस 5 माइनस 0, जो ये आंसर सही आंसर हो गया 300 प्लस 5 माइनस 0। आगे का प्रश्न देखते हैं, वंदे भारत कोचेज आर इक्विप्ड विथ ग्रीन टॉयलेट, बायो टॉयलेट्स आपके सभी LHB कोचेज में लगे हैं, वैक्यूम बायो टॉयलेट, राइट आंसर है सी। LHB वंदे भारत के सभी कोचेज जितने भी लगे हैं उसमें बायो वैक्यूम टॉयलेट कहा जाता है, यानी वैक्यूम इवैक्यूएटेड बायो टॉयलेट्स है, तो बायो टॉयलेट तो है ही, वैक्यूम इवैक्यूएटेड बायो टॉयलेट्स लगा हुआ है, लाइक दैट जैसे एरोप्लेन वगैरह में फ्लाइट्स वगैरह में लगे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट द कूलिंग सिस्टम फॉर लाइन कन्वर्टर एंड ट्रैक्शन कन्वर्टर, जो आपका मोटर कोच में लगा होता है, इज लिक्विड कूलिंग, यस सही है, इसमें लिक्विड कूलिंग होता है। द एब्रीविएशन ऑफ BECU ये क्या है, ब्रेक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल यूनिट, ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, बेसिक इंजन कंट्रोल यूनिट, दोस्तों ये है BECU, इसको बेकू भी बोलते हैं, ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, जो आपके वंदे भारत कोचेज में लगा हुआ है। इसमें क्या कह रहा है अगला प्रश्न है कि द स्टेटमेंट ईच TC कोच ट्रेलर कोच जो है आप वंदे भारत हैज बीन इक्विप्ड विद द ट्रांसफार्मर एंड पेंटोग्राफ, तो मैंने पहले भी चर्चा कर दिया था वेरी स्टार्टिंग, इसीलिए जो फर्स्ट स्लाइड है दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको वो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा, तो ये ट्रू है, आंसर ट्रू है कि उसमें ही ट्रेलर कोच में ही ट्रांसफार्मर पेंटोग्राफ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ये सब लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट ईच DTC एंड NDTC यानी सभी जो 16 कोच है तो उसमें दो DTC दो NDTC हैज़ बीन इक्विप्ड द मैक मेन एयर कंप्रेसर, यस उसमें बताया था बैटरी चार्जर और मेन एयर कंप्रेसर लगा रहेगा, ट्रू करेक्ट आंसर है। द स्टेटमेंट वंदे भारत कोच आर इक्विप्ड विद HVAC हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सभी कोचेज में लगा हुआ है, HVAC जो रेफ्रिजरेशन है एंड एयर कंडीशनिंग जो है आपका लगा हुआ है उसको HVAC बोलते हैं, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। द एब्रीविएशन ऑफ VVVF वेंटिलेटेड वोल्टेज वेरिएबल फ्रिक्वेंसी, वोल्टेज वेंटिलेशन वेरिएबल फ्रिक्वेंसी वेरिएबल वोल्टेज फ्रिक्वेंसी वेरिएबल वोल्टेज, ये दोस्तों ये है इसका डी आंसर, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रिक्वेंसी, इसके आ जाने से आपका सिस्टम जो आपका ट्रैक्शन मोटर है इंडक्शन मोटर ये काफ़ी आसान हो गया, अदरवाइज़ ये क्या रहता था पहले जो है हम लोग जो चलाते थे उसमें ये सिस्टम नहीं था VVVF, तो आपका जो पोल और फ्रिक्वेंसी रहता था उसी पर डिपेंड रहता था, जैसे सिंक्रोनस मोटर होता है तो वहाँ एकदम स्पीड कांस्टेंट होता है, एसिंक्रोनस मोटर में ये VVVF आकर के स्पीड जो है
वो कर दिया, इसलिए इसमें गियर वगैरह चेंज नहीं किया जाता है, जस्ट आगे की तरफ बढ़ाते हैं, मास्टर कंट्रोलर जो रहता है आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो स्पीड ले लेता है, पीछे की तरफ करते हैं तो ब्रेकिंग एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू स्पीड जो है कंट्रोल करने लगता है। व्हाट इज़ वंदे भारत एक्सप्रेस? वंदे भारत एक्सप्रेस है क्या? ये हाई स्पीड इलेक्ट्रिक ट्रेन है, ये सेमी हाई स्पीड इलेक्ट्रिक ट्रेन ऑपरेटेड बाय इंडियन रेलवे, ये बुलेट ट्रेन ऑपरेटेड बाय इंडियन, ये लग्जरी क्रूज लाइनर है। तो नहीं दोस्तों, ये आंसर बी हुआ, ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। वैसे दोस्तों सेमी हाई स्पीड ट्रेन कुछ है नहीं, चूँकि मेक इन इंडिया में है, तो ये 200 kmph से जो नीचे चल रहे हैं उनको सेमी हाई स्पीड बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट ट्रांसमिशन ऑफ पावर सप्लाई फ्रॉम वन कोच टू द अदर कोच बाय जंपर कपलर, पावर कपलर, आईबी कपलर हम बोलते हैं, एक कोच से दूसरे कोच के लिए यूज किया जाता है, तो यह सही है, इसको तो यूज करते हैं हम। व्हेन वाज ट्रेन 18 रीनेम्ड वंदे भारत एक्सप्रेस? वंदे भारत एक्सप्रेस जब ट्रेन 18 सन 2018 में आया था, इसके लिए इसको ट्रेन 18 बोला जाता है। ट्रेन 18 का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, कब कर दिया गया? 27 जनवरी 2019 को इसका नाम बदल करके वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया। पीयूष गोयल साहब उस समय रेल मिनिस्टर थे, तब उन्होंने इसका नाम चेंज किया था, क्योंकि एक फील आनी चाहिए मेक इन इंडिया, यानी वंदे भारत के बोलने से ऐसा लगता है कि ये इंडियन ट्रेन है, ट्रेन 18 से वो फीलिंग नहीं आ रही थी, इसके लिए इसका नाम चेंज कर दिया गया। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट कास्ट ऑफ 16 कोच वंदे भारत ट्रेन? वंदे भारत ट्रेन का दोस्तों मेक इन इंडिया है, इसका 115 करोड़ रुपये 16 कोच का इसका आया, जो कि बाहर से जब लिया जा रहा था, जब इसको इंपोर्ट करने की बात आई थी, तो करीब 150 करोड़ रुपये जर्मनी और जापान से चर्चा चल रही थी। द फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस रन बिटवीन, पहला वंदे भारत एक्सप्रेस मैंने बताया था कोई ट्रेन 18 रन किया था, नई दिल्ली से वाराणसी वाया कानपुर एंड प्रयागराज ये आया था, ये पहला चलाया गया था 160 kmph की स्पीड में, कुछ सेक्शन में चलाया गया था। तो फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस रन न्यू दिल्ली वाराणसी, दूसरा वाला नया दिल्ली से कटरा, ठीक है, ये दोनों ट्रेन 18 थे, उसके बाद ट्रेन सेट आ गया। व्हेन डिड द फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस रन, कब ये रन किया था? तो ये रन किया था 15 फरवरी 2019 को, ये वंदे भारत एक्सप्रेस इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, तो ये इनॉग्रेट किया गया था नई दिल्ली से वाराणसी के लिए। व्हाट वाज द वंदे भारत ट्रेन फॉर्मरली नोन, पहले क्या जाना जाता था? तेजस एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, ट्रेन 18, शताब्दी एक्सप्रेस, तो ये ट्रेन 18 को ही नाम बदला गया है, तो पहले इसको ट्रेन 18 जानते थे। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द गोल बिहाइंड द डिजाइन ऑफ द वंदे भारत एक्सप्रेस, के पीछे क्या गोल रहा है, क्या उद्देश्य रहा है? टू क्रिएट ए लग्जरियस ट्रेन फॉर टूरिस्ट, नहीं टूरिस्ट नहीं सबके लिए है, टू स्टैंडर्डाइज ट्रेन डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन, टू क्रिएट द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया, टू रिड्यूस द कास्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन, दिस इज द राइट आंसर, इसका मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस, ऑपरेशन मैंने बताया कि पुशपुल टाइप का है, इसमें इंजन अलग से नहीं लगता है, गाड़ी एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाती है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये शताब्दी एक्सप्रेस जो 1988 से चला था, तो लंबे समय बाद लगभग 30 साल बाद उसका रिप्लेसमेंट है, एक प्रकार से समझिए कि शताब्दी एक्सप्रेस का, बट एलॉन्ग विथ पुशपुल टाइप का शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन रहती है ये। हाइट ऑफ CBC AARH टाइप ऑन ड्राइवर इंड, देखिए हमने पहले ही बात किया था, CBC जो AARH टाइप का लगा है ड्राइवर इंड में लगा हुआ है, यानी जो DDU रहता है या DTC में जिस फेस में ड्राइवर फेस करके चला रहा है उसी इंड में ये AARH टाइप लगा रहता है। इन केस कभी कम्प्लीटली वो एचई फेल हो गया, तो उसमें बाहर से इंजन ले आकर के अटैच करेंगे, तो चूंकि इंजन में ई टाइप या एच टाइप का CBC लगा रहता है, तो उसको उसी तरह के CBC से ही अटैच कर पाएंगे, तो वो लगाया गया है। तो उसकी हाइट पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि 1105 प्लस जीरो, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है, -10 यही इसका राइट आंसर है। वंदे भारत में और LHB बाकी में थोड़ा सा अंतर है, वहाँ -15 होता है, यानी 1190 से लेकर के 1105 रहता है, 1090 से लेकर के 1105, बट यहाँ पर देखिए तो अगर 10 माइनस करेंगे तो आपका 1095 ही आएगा, तो ये मैनुअल से लिया गया है, राइट आंसर है 1105 प्लस जीरो माइनस 10।
What is the switch activation time for opening of the automatic plug door? Automatic plug door is called main door, यानी कोच में जो घुसने के लिए डोर होता है एंट्री करने के लिए, उसको यहाँ पर ऑटोमेटिक प्लग डोर बोलते हैं। तो उसको बोल रहा है कि उसका स्विच एक्टिवेशन टाइम क्या है, जो DDU में लगा रहता है, DDU यानी DTC में, वहाँ पर दो स्विच रहते हैं जिसको एक साथ प्रेस करना पड़ता है, 3 से 5 सेकेंड तक उसको प्रेस करते हैं तो एक्टिवेट कर देता है। साथियों आपको बता दूं कि मैं इसके बारे में एक अलग से भी वीडियो है जिसका लिंक आपको इसमें दिया गया है, तो आप DTC में क्या क्या रहते हैं जो ट्रेन मैनेजर और ड्राइवर के लिए सपोर्टिव है, तो उसको आप वहां से देख सकते हैं, उसका लिंक है वीडियो में, तो जिससे आपको ये सारी चीज़ें क्वेश्चन समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। व्हाट इज द रेजिंग एंड लोअरिंग टाइम ऑफ द पेंटोग्राफ ऑफ द वंदे भारत ट्रेन? पेंटोग्राफ लगा रहता है TC कोच में, तो उसको कह रहा है कि रेजिंग एंड लोअरिंग यानी ऊपर उठने और नीचे गिरने के लिए कितना टाइम लगता है, तो उसका टाइम है 6 से 10 सेकेंड। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। विच टाइप ऑफ द ड्राफ्ट गियर इज यूज्ड? ड्राफ्ट गियर कहाँ लगा रहेगा? CVC में लगा रहेगा। तो ये जो है आपका, इसमें बैलेंस टाइप ड्राफ्ट गियर यूज किया गया है वंदे भारत ट्रेन में। व्हाट इज द लेंथ ऑफ 16 कार वंदे भारत ट्रेन? बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आसान भी कह सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि एक कोच की लंबाई हमने बताया है 24 मीटर होता है, इंटू 16 कर लेंगे तो 384 मीटर आ जाएगा। 16 कोच की लंबाई कितना हो गया, ठीक है, 16 × 24 कर लीजिए आप, क्योंकि 24 मीटर एक कोच का लंबाई है, CBC to CBC, और 16 कोच है, तो ये हो गया आपका, वही पूछ रहा है ये। व्हाट इज द प्रेशर सेटिंग फॉर द एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ द वंदे भारत कोच कंप्राइजिंग नियामार मेन रिजर्वायर एंड BP पाइप? साथियों अभी एक और बढ़िया जानकारी आपको यहाँ पर मिल जा रहा है कि अभी तक जो भी आपने पढ़ा है ICF या LHB कोचेज, हर जगह आपने पढ़ा है, आपको मिला है BP और FP यानी फीड पाइप और ब्रेक पाइप। तो यहाँ पर आपको ब्रेक पाइप तो दिख रहा है बट यप्पी नहीं दिख रहा है, तो यप्पी की जगह यहाँ पर यमार होता है, मेन रिजर्वायर होता है। तो ये पूछ रहा है कि ब्रेक पाइप में और मेन रिजर्वायर में कितना प्रेशर होता है जब आपका मैक चालू होगा, मेन एयर कंप्रेसर, तो उससे मेन रिजर्वायर में जाएगा। तो देखिए बीपी में हमें पता है कि 5 kg पर ही हमारे सिस्टम डिजाइन किए गए हैं, तो 5 kg प्लस माइनस 1 kg रहता ही है, तो यहाँ पर एक ही आंसर है, 5 kg प्लस माइनस 1 kg बीपी के लिए। और यमार में प्रेशर 8 से 10 रहता है, तो यहाँ दिया है 8.5 प्लस माइनस 0.1 से 10 kg प्लस माइनस 0.1 kg, तो इसका आंसर हुआ सी। तो एक जानकारी यहाँ पर मिल गया कि इसमें बीपी रहेगा और यमार रहेगा, वंदे भारत में यप्पी नहीं रहेगा। तो आप यमार कहेंगे, यमार का 8 से 10 केजी का प्रेशर रहता है और इसका 5 kg रहता है, एग्जैक्ट ये प्लस माइनस 0.1 kg है, तो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेक सिस्टम ऑफ वंदे भारत कंप्राइजेज इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ द ब्रेक्स? किस टाइप का ब्रेक लगा रहता है? इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक, माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्ड फ्रिक्शन सर्विस ब्रेक, यस लगा रहता है ये चीज। फिर इलेक्ट्रिक रीजनरेटिव सर्विस ब्रेक, यस इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी लगा रहता है। फेल सेफ इलेक्ट्रोन्यूमेटिक फ्रिक्शन इमरजेंसी ब्रेक, यस इमरजेंसी ब्रेक भी लगा रहता है। स्प्रिंग अप्लाइड एयर रिलीज पार्किंग ब्रेक, पार्किंग ब्रेक भी लगा होता है, जो हमने पढ़ा कि पर व्हील सेट में लगा रहता है। तो ये इस तरह से इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव हो गया। तो यानी इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग हो गया आपका, EP ब्रेक सिस्टम जिसको हम इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेकिंग कहते हैं, डायनेमिक ब्रेकिंग, फ्रिक्शन सर्विस एप्लीकेशन, ये माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्ड बेस्ड लगा रहता है। तो ये सारे तरह के जो है ब्रेकिंग सिस्टम इसमें अप्लाई किए जाते हैं, तो इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द नॉमिनल सप्लाई वोल्टेज ऑफ OHE ओवरहेड इक्विपमेंट्स? जहाँ से TC को सप्लाई मिलता है पेंटोग्राफ को, उसका कितना है वोल्टेज? तो आपको ये पता है कि अपने यहाँ 25 kV का चल रहा है, तो 25 kV तो रहता है, लेकिन उसके आगे इन्होंने कन्फ्यूज़ करने के लिए और भी कुछ दे दिए हैं, 60 हर्ट्ज़ 50 हर्ट्ज़ 60 हर्ट्ज़ 50 हर्ट्ज़। तो अपना AC जो है वो 50 हर्ट्ज़ है, तो अब आंसर 2 में हो गया। अब AC रहता है कि DC? तो यहाँ पर AC है, AC ये भी हो गया। 3 फेज या सिंगल फेज, तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि 25 kV रूट मीन स्क्वायर रहता है RMS, 50 हर्ट्ज़ रहता है, सिंगल फेस होता है AC सप्लाई।
वो सिंगल फेस लेकर के हमारा जो टीसी रहता है उसमें जाता है ट्रांसफार्मर में, फिर वो थ्री फेस में कन्वर्ट करके आपका इंडक्शन मोटर चलाता है और बाकी जगह जहाँ पर आरएमपीयू यूनिट को लगता है वहाँ पर देता है थ्री फेस सप्लाई, बट हमको मिलता है सिंगल फेस ओएचई सप्लाई। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ कन्फ्यूज़ करने के लिए सब दिया, थ्री फेस भी दिया है, देखिए 25 kV भी दिया है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। 25 kV आरएमएस रूट मीन स्क्वायर ही रहता है, 50 Hz में रहता है, सिंगल फेस रहता है, एसी सप्लाई रहता है, तो आपका आंसर ये हुआ डी। वंदे भारत ट्रेन हैविंग डिस्ट्रीब्यूटेड पावर विथ पुल पुश टेक्नोलॉजी, यस यही तो हम बता रहे थे, DPRS डिस्ट्रीब्यूटेड पावर आपके रोलिंग स्टॉक वंदे भारत है और पुश पुल टेक्नोलॉजी पर है, क्योंकि इसमें आगे इंजन नहीं लगता है, पुश पुल टाइप का लगा है, आगे भी इंजन लगा है DTC और पीछे भी लगा है, तो ये है, तो इसलिए ये हुआ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोड वेइंग सिस्टम लोड डिस्ट्रीब्यूटेड वाल्व हैज बीन यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ द एयर स्प्रिंग प्रेशर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सीलरेशन ब्रेकिंग एंड डिटेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्टेड एयर स्प्रिंग। साथियों, इसके एयर स्प्रिंग सिस्टम के बगल में ही लोड डिपेंडेंट वाल्व लगा होता है, ये लोड डिपेंडेंट वाल्व, इससे यह प्रेशर के अकॉर्डिंग इसमें पता चल जाता है, माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्ड बेस्ड है सिस्टम, तो उससे पता चल जाता है कि किस कोच में कितना लोड है, उसी लोड के अकॉर्डिंग जो है ये एयर स्प्रिंग की हाइट को भी एडजस्ट करता है, प्लस उसमें ब्रेक अप्लीकेशन भी करता है, इसलिए कह रहा है ब्रेकिंग एंड डिटेक्शन ऑफ लोड डिफ्लेशन, ये लोड डिपेंडेंट वाल्व इसको कहते हैं LDV, ठीक है, तो ये लगा रहता है, तो इसलिए इसे ट्रू है। फिर देखिए, कोच में व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन WSP हर एक कोच में लगा रहता है, जैसे लाइक दैट LHB में लगा है, वैसे ही इसमें भी वंदे भारत में भी लगा है। द व्हील स्लाइड सिस्टम हैज बीन फिटेड इन वंदे भारत टू डिटेक्ट द ऑनसेट ऑफ स्लिप एंड स्लाइड बाई आइदर एन एक्सल डी एक्सीलरेशन एक्सीडिंग ए प्रीसेट पैरामीटर, यस ये सही है, आर डिटेक्शन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द रिलेटिव स्पीड ऑफ द एक्सल ऑफ एनी वन एक्सल। देखिए यहाँ कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द रिलेटिव स्पीड को तो देखता है ये, बट कई बार क्वेश्चंस में आता है कि क्या यह स्पीड को बराबर करता है, तो नहीं, WSP किसी भी स्पीड को बराबर करने के लिए नहीं है, बल्कि यह रिलेटिव स्पीड को लेकर के कैलकुलेट करता है कि डंप वाल्व में कितना प्रेशर भेजना है या रिलीज करना है। तो व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन तो एक तो कन्फर्म हो गया कि वंदे भारत के सभी कोचेज में लगे हैं WSP सिस्टम, और जो ये कह रहा है तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पर यहाँ पूछ रहा है सीटिंग कैपेसिटी ऑफ पैसेंजर इन DTC, DTC में दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया था ये 44 रहता है, फिर से रिवाइज कर लीजिए, 52 NDTC में रहेगा एग्जीक्यूटिव चेयर कार में, और 78 रहता है TC और मोटर कोच में रहता है, तो आपका ये तीनों आंसर यहीं पर मिल गया, फिर से शायद ये आ गया तो रिवाइज हो गया। पिस्टन टाइप आयल फ्री 2-stage 3-cylinder एयर कंप्रेशन हैज बीन फिटेड इन वंदे भारत, तो ये तो ध्यान दीजिए आयल फ्री लगा हुआ है इसमें, कन्फर्म है 2-stage 3-cylinder एयर कंप्रेसर, तो ये आंसर ट्रू है। अभी कंप्रेसर कहाँ लगा है, DTC में लगा है, जो कि पहले स्लाइड में ही आपको बता दिया था, तो ये ध्यान में रहे। अब देखिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पार्किंग ब्रेक रिलीज स्विच इनेबल व्हेन MR प्रेशर चार्ज। अब चूंकि इसमें पार्किंग ब्रेक लगा है, तो पार्किंग ब्रेक लगा होता है जिसको DTC में बैक साइड में जहाँ ड्राइवर बैठता है वहाँ से रिलीज कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं, और डिसेबल होता है, तो ये पूछ रहा है कि वह इनेबल कब होगा, जब MR का प्रेशर 4.5 kg से ज़्यादा हो जाता है तब पार्किंग ब्रेक रिलीज होगा। पार्किंग ब्रेक क्यों लगा रहता है, जब मान लीजिए कि हमको रेक को खड़ा करना है, OHE डाउन करना है, पेंटोग्राफ नीचे है, तो गाड़ी में ऑटोमेटिक ब्रेकिंग लग जाए, उसी को हम पार्किंग ब्रेक कहें, बट उसको तब इनेबल करेगा जब MR का प्रेशर चार्ज होके 4.5 kg से ज़्यादा होगा, तभी पार्किंग ब्रेक रिलीज होगा। तो वही ये कह रहा है कि रिलीज स्विच इनेबल कब होगा, तो यानी ड्राइवर जो है वहाँ से ही स्विच को इनेबल कर देगा, तो सभी पार्किंग ब्रेक रिलीज हो जाएगा, लेकिन वो तभी होगा जब MR का प्रेशर 4.5 kg/cm² पहुँच जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, पार्किंग ब्रेक रिलीज स्विच डिसेबल, यहाँ डिसेबल पूछ रहा है व्हेन द MR प्रेशर बिलो दैट। अब MR का प्रेशर किसी भी कारण से या रेक को स्टेबल करना है तो पेंटो गिराना है, तो MR का प्रेशर कम हो जाएगा,
तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो पार्किंग ब्रेक ऑटोमेटिक लग जाएगा। लेकिन कब लगेगा? जब EMR का प्रेशर 3.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से नीचे जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये जान लीजिए कि ये EMR का इनेबल कब होगा। और ये तो दो कंडीशन में हम DTC से ही पार्किंग ब्रेक को रिलीज कर सकते हैं, सभी कोचेज में, आपको पता है सभी कोचेज में रहता है और सभी एक्सल में रहेगा, तो रिलीज कर सकते हैं। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो हर एक कोच में नीचे जा करके पार्किंग ब्रेक को मैन्युअली रिलीज कर सकते हैं, स्प्रिंग लोडेड रहता है। तो ये तो दो कंडीशन है कि DTC से कर सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ वंदे भारत ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट 160 KMPH। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यदि वंदे भारत एक्सप्रेस 160 KMPH की स्पीड से जा रही है तो उसका इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना होगा, यानी इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बाद हमारी गाड़ी कितनी दूरी में स्टेबल हो जाएगी, यानी रुक जाएगी। तो 850 तो नहीं है, 900 भी नहीं है, यानी इसका आंसर है 1250 मीटर, 1250 मीटर इसका इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक लग रहा है ये इस समय। द मैक्सिमम टाइम फॉर सर्विस ब्रेक एप्लीकेशन इज, यानी गाड़ी में अगर सर्विस ब्रेक एप्लीकेशन लगाना हो तो मैक्सिमम टाइम क्या है? 2 सेकंड, 3 से 5 सेकंड। ICF और ELHB ये सब का तो 305 सेकंड है, 3 to 5 सेकंड, बट इसका है दोस्तों 2 सेकंड है, कि वंदे भारत में 2 सेकंड में आपका मैक्स टू मैक्स, यानी उससे कम समय में आपका ब्रेक एप्लीकेशन लग जाता है। द मैक्सिमम टाइम फॉर इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन, यानी जब ये तो सर्विस एप्लीकेशन हो गया, इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन लगाएंगे तो यानी इससे भी कम में हो जाना चाहिए, तो इससे कम में एक ही है, 1.5 सेकंड में इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन रिलीज हो जाएगा, ब्रेक एप्लीकेशन हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, द रिलीज टाइम ऑफ सर्विस एंड इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन, यानी यहाँ तो ब्रेक एप्लीकेशन था सर्विस वाला और इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन, अब यहाँ रिलीज टाइम कह रहा है, तो रिलीज टाइम दोस्तों इसका है 2.5 सेकंड, कितना कम है, क्योंकि नॉर्मली ICF और ELHB में 15 से 20 सेकंड है रिलीज टाइम, जबकि इसका 2.5 सेकंड में है। तो यही है, EP ब्रेक सिस्टम है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम है, तो सब कुछ है, तो ये सुविधा भी है। 80 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ द व्हील्स आर यूज्ड इन द बोगी ऑफ द वंदे भारत ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन में किस टाइप का व्हील्स यूज किया गया है? कास्ट स्टील व्हील, फोर्ज्ड व्हील, स्पोक्ड व्हील, हाई स्पीड व्हील। तो हाई स्पीड व्हील तो कुछ होता नहीं, स्पोक्ड व्हील यूज नहीं किया जाता है, तो बचता है कास्ट व्हील, फोर्ज्ड व्हील। तो इस समय हमारे पास सभी फोर्ज्ड व्हील आ रहे हैं, जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल में बन रहा है, सेल में है, और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में भी ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, इसका टेंडर दिया गया है व्हील बनाने के लिए। तो ये वंदे भारत का फोर्ज्ड व्हील यहाँ पर बनाया जाता है। साथियों, ये रहा है आपका वंदे भारत की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको यह वीडियो देखना है पूरा अंत तक, सब्सक्राइब करना है, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और यहाँ पर दो नंबर दिया गया है, ये नंबर और इस नंबर पर व्हाट्सएप है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप इसका हमसे व्हाट्सएप करके हमसे PDF भी ले सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।